स्मार्ट वर्क करो, इसे कैसे किया जाए। वैसे तो सारी ये बता रहा हूँ वो शायद इसी पे ही है कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। स्मार्ट वर्क का सबसे अच्छा है कि आपको एक तो सोचना है, सारा दिन किताबों में नहीं लगे रहना, आपको दिमाग लगाना है खुद का कि मैं क्या नया कर सकता हूँ इस चीज़ में। ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट और बोलते किसको है, वो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आते हैं, IIT से आते हैं, IIT IIM, तो उन लोगों का कैसे होता है कि उन लोगों जो वो जब पेपर देते हैं ना, तो उनके आठ सेमेस्टर होते हैं, 16 बार वो एग्ज़ाम देते हैं और उनके क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का भी आएगा, 5 नंबर का भी आएगा, 10 नंबर का भी आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, तो उनका तैयारी होती है वो एक संपूर्ण होती है। और हम लोग बीए वाले हैं, बीए वालों के मारे तो यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन आते थे 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता था। और फर्स्ट ईयर में मैं गया पेपर देने, तो मैंने बिल्कुल प्रिसाइज लिखा, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स भी लिखे, मैप भी बनाया, 15 पेज में पूरा कंप्लीट कर दिया था पेपर, नंबर आए थे 50%। पर अगली बार थोड़ा सा उससे प्रेरणा लेते हुए मैंने 37 के 37 बनने भरे, 36 नंबर आए, 65, थर्ड ईयर में 72। तो अपनी परवरिश ऐसी हुई है कि अपन को मतलब ग्राउंड के बाहर से बॉलिंग करने का मतलब आदत पड़ चुकी है। बात यह है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब ये है कि हर पूरे एस्पेक्ट को जीवन जीने की शैली है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक तो थोड़ा सा अच्छा खाना है, यहाँ पे समोसे समोसे नहीं खाने अपन को, है ना, और थोड़ा सा अच्छा हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अच्छी हेल्थ होगी ना तभी शायद अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। इस चीज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था। फिर क्या है कि कम पढ़ना है, ज़्यादा रिवाइज करना है, ये स्मार्ट स्टडी है। ठीक है, फिर टॉपर्स की कॉपी देखनी है। ठीक है, जो पुराने किसी टीचर्स ने कुछ अच्छी चीज़ें बताई आंसर राइटिंग में, उसको इंप्लीमेंट करना ही स्मार्ट वर्क है। सबको पता है फ्लो चार्ट बनाने चाहिए, कोई नहीं लिखता। स्मार्ट वर्क होता है इम्प्लीमेंटेशन की भावना होती है ना, जो प्लानिंग तो करेंगे स्ट्रिक्टली, ये भी कर देंगे ये भी कर देंगे, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे लूज़ हो जाएंगे। प्लानिंग करो कि हाँ ये सब करना है, इम्प्लीमेंटेशन करो कड़ाई से, खुद पे थोड़ा निर्मम होना पड़ेगा खुद के लिए। तो ये चीज़ है, यही स्मार्ट वर्क होता है कि आप लोग कैसे क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, पूरा का पूरा कर रहे हैं, खुद की लाइफ को कैसे थोड़ा सा मतलब साइंटिफिक तरीके से जी रहे हैं, खुद के बारे में सोचो। जैसे कोचिंग में आपको सर बता रहे हैं, तो सारा का सारा सर बता रहे हैं, आप वही इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सारे वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है आप में से, है ना, वो भी आप पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। खुद का सोचो, जैसे आपने फर्स्ट रैंकर की कॉपी देखी, उसको देख लिया कि इसने बुलेट पॉइंट लिखा, आपने कहा नहीं यार इसमें मेरे को कुछ कमी नज़र आ रही है, उसमें थोड़ा सा कमी निकालो, ये तो मेरे को अपनाना ही है, इसके अलावा ये चीज़ मैं एक्स्ट्रा कर सकता था कि नंबर बढ़ जाए। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखो कि मेरे तो आएंगे ही नहीं, उसमें भी कुछ इनोवेशन का ट्राई करो कि हाँ यार इसमें भी मैं इनोवेशन कर सकता हूँ। वो ये होगा कि ऐसे नहीं है कि कॉपी देख के उसको लिखने लग गए, तो फिर आपने खुद को टाइम कब दिया, खुद ने कब सोचा कि क्या करूँ मैं। आप रट रहे हो, आप दिमाग में डाल रहे हो, पर मेंस तो दिमाग से निकालने का एग्जाम है ना, दिमाग में आपके बहुत नॉलेज होगा। इवन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों में नॉलेज में कोई कमी नहीं है, कोई असमानता नहीं है, नॉलेज उतना ही है, और वो फोकस करते हैं निकालने पे, दिमाग से हाथ पे लेके आना है ना, क्या क्या चीज़ें नई डालनी है। वो हर बार आंसर लिखेंगे ना हर पेपर में दूसरे में, तो पहले वाली चीज़ तो रिटेन रखेंगे, दूसरी वाली में वो नई चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल का ही गेम है कि नंबर इतने आते हैं, है ना। तो ये स्मार्ट वर्क है, एक लाइफ स्टाइल है। स्मार्ट वर्क ऐसे नहीं है कि हम पेपर में स्मार्ट वर्क करेंगे, घर पे 12 घंटे सो रहे हैं, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। थोड़ा अच्छी नींद लेनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि कोई मतलब सुना है ना, मैंने देखे तो नहीं ऐसे कि हाथ बांध के पढ़ते हैं लोग, ऐसा होता है क्या कि नींद ना आए? नींद जब आ रही है तो ले लो ना नींद, क्या दिक्कत है। जब दिमाग तुम्हारा बैलेंस में नहीं है, तुम लोग पढ़ रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है। इवन साइंस भी बोलता है कि 10 घंटे से ज़्यादा तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते, फिर 15 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिक्स 8-9 घंटे पढ़ लो, उसमें जो पढ़ रहे हो वो बेस्ट होना चाहिए, उसमें फिर ये नहीं है कि आप और कुछ देख रहे हो। यही स्मार्ट वर्क है कि अपना जो एंटरटेनमेंट वाला पोर्शन है उसको भी साथ में रखना है, पढ़ाई वाला उसको भी साथ में रखना है, जो घर का पोर्शन है उसको भी टाइम देना है। मैनेजमेंट है ना वो स्मार्ट ना। इनकी स्ट्रेटजी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि PT के एग्जाम वाले दिन भी इन्होंने अपना रूटीन नहीं छोड़ा था, ये अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और ये रेयर है। एग्जाम वाले दिन भी एक्सरसाइज करके गया था मैं पार्क में, अच्छे से मेडिटेशन किया और आराम से रिलैक्स हो गया, उस दिन किताब नहीं उठाई थी मैंने। तो बात यह कि तुम मतलब थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियसनेस भी जरूरी है, क्योंकि
अगर मैं साइंस में बताऊं तो हमारा माइंड काम करता है कि उसको कितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, और जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है और ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा ब्रेन में जाएगी, उतना ही जल्दी याद होगा। मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें योग वगैरह कर सकते हो ना, जो ओम का है वो कर सकते हो, ये थोड़ी सी चीज़ें कुछ लाओ कि सीधा ये नहीं है कि मतलब किताबों में ही फंसे पड़े हैं, ये बाहर की चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा खाना चाहिए, तो ये इम्प्लीमेंट करो खुद की लाइफ में, तो शायद थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। 4-5